टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वनीला आइसक्रीम की रेसिपी। आपको बताना चाहूँगी हम मैं कैसे बना रही हूँ, तो क्या क्या चाहिए। ये हमने एक कप दूध लिया, जो हम एक कप दूध लेंगे, 3 टेबलस्पून हम लेंगे इसमें मिल्क पाउडर, ये ऑप्शनल है अगर लेना चाहें तो, और 4 टेबलस्पून हम लेंगे शुगर, और 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब हम लेंगे ये कॉर्नफ्लोर और वनीला एसेंस। उसमें ये दूध डाल देंगे, एक कप दूध डाल दिया। अब हम आधा कप दूध और लेंगे, जो हम इसमें एक बाउल या ग्लास में डालेंगे। ये टेबलस्पून होते हैं जो घर में मेजरिंग के लिए, तो हम इसमें ये 1.5 टेबलस्पून के करीब हम ये कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। और ये मेरे पास 3 टेबलस्पून ये वाले मिल्क पाउडर है, ये ऑप्शनल है, अगर डाल देंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा, क्रीमी टेस्ट बनेगा इससे। ये मिक्स कर लेते, ठंडे दूध में ही करना ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। इसको हमने घोल लिए, हमने दूध में मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लोर का घोल बना लिया डाल के। अब हम गैस ऑन करते, जो एक कप दूध लिया था उसको उबाल लेते। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हम ये वाला जो हमने इसके घोल बनाया था वो इसमें डालेंगे। अब इसको उबलने देते हैं। उबाल आ चुका है, जो हमने इसमें घोल बनाया था कॉर्नफ्लोर और मिल्क पाउडर का, वो इसमें डाल देते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके उबाल लेते हैं कि कच्चापन निकल जाए और दूध भी मिल्क पाउडर भी इसमें अच्छी तरह से मिल जाए। देखिए गाढ़ा सा घोल दूध बन गया है बिल्कुल। अब हमारे पास 4 टेबलस्पून चीनी है, जो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन इतने दूध में इतनी चीनी पड़ती है। ये डाल देंगे और चीनी मिक्स होने तक इसको चलाएंगे, फिर हम इसको ठंडा करेंगे। अभी चीनी घुल जाएगी तो मैं गैस बंद करूँगी। अभी 1 से 2 मिनट लगातार चलाते हुए हम इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे लगने का डर रहता है, फिर टेस्ट खराब रहता है। ये देखिए हमारी चीनी भी घुल गई है और हमारा दूध भी काफ़ी गाढ़ा हो गया है। ये देखिए अब हम गैस बंद कर देते हैं इसकी और इसको ठंडा कर लेते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसमें क्रीम और वनीला एसेंस डाल के फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब इसको ठंडा करते हैं। देखिए हमारा दूध ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें क्रीम मिक्स करेंगे। अब पहले हम ये मिक्सी का बड़ा वाला जार लेंगे, उसमें ये अपना गाढ़ा वाला दूध जो कॉर्नफ्लोर डाल के बनाया था इसको मिक्स कर देंगे। अब हमने ये फ्रेश क्रीम ली है, वो भी 1 कप ली है, 1 कप दूध है तो 1 कप ही हम क्रीम लेंगे। इसमें हमें 1 कप क्रीम डाल दिए। अब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस डालेंगे। और इसको मिक्सी में एक बार घुमा लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मिक्सी में हमने इसको 1 मिनट चला लिया क्रीम डाल के, ज़्यादा नहीं चलाएंगे नहीं तो मक्खन निकल आता है। तो एक कोई प्लास्टिक का हम ले लेंगे डब्बा, या किसी में आप जमाना चाहते हैं कांच के भी कंटेनर में बना सकते हैं, तो हम इसमें डाल देंगे। तो एक एल्युमिनियम फाइल लेंगे, इससे इसको ढक देंगे ताकि क्रिस्टल ना बने इसके अंदर, आइस क्रिस्टल बन जाते हैं आइसक्रीम में। इसको अच्छी तरह से ऊपर से इसका ये ढक्कन देते हुए और फ्रीज़र में कम से कम 6 से 7 घंटे इसको रखेंगे। जब ये हमारा जम जाएगी आइसक्रीम तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, जब मैं फ्रीज़र में रखने जा रही हूँ। वनीला आइसक्रीम बनकर तैयार है, इसको हमने ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया था, यानी कि फ्रीज़र में रख दिया था जमने के लिए, और इसको 6 से 8 घंटे भी रखेंगे तो तब भी ये जम जाती है। और अभी हमने फ्रीज़र से निकाल के इसको 15 मिनट पहले बाहर रख दिया था, थोड़ी लूज़ हो जाए। ये देखिए आपको दिखाते हैं, देखिए कितनी अच्छी जमी है हमारी। हमारी वनीला आइसक्रीम होममेड बनकर तैयार है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर लिखिए आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।